Hello everyone, very warm welcome to my channel Earnest Physician. I am Dr. Shaza Parveen Siddiqui and today we'll be talking about इस सीजन की सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीट वेव अलर्ट्स की, जिससे हो रही सबसे कॉमन या आम समस्या जिसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या फिर आम बोल चाल भाषा में लू लग जाना. तो चलिए जान लेते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो गया या फिर सन स्ट्रोक हो गया, किसी को लू लग गया और उसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके के हैं कि जैसे कि पूरा ब्लड शरीर का सर की तरफ भाग रहा है और सर इतना भारी हो गया है कि वो अपने हेड को होल्ड नहीं कर पा रहा है. ठीक है, यानी कि हेड है जो वो बॉडी से भी ज़्यादा भारी हो गया, अपने हेड को वो होल्ड नहीं कर पा रहा है. पूरे फेस पे आपको कंजेशन देखने को मिल रहा है, रेडनेस देखने को मिल रहा है. ही जो है आईज़ में भी आपको रेडनेस देखने को मिल रही है और हेड में, यानी कि उसको सर में इतना दर्द हो रहा है, थ्रॉबिंग सेंसेशन हो रहा है कि जैसे फट रहा हो सर फट जाएगा. और जो ब्रेन है वो आपके हेड के लिए इनकैपेसिटेट हो गया, यानी कि जो ब्रेन है उसका साइज़ इतना बड़ा होता जा रहा है कि सर फट जाएगा, यानी कि स्कल आपका फट जाएगा. ऐसा सेंसेशन अगर पेशेंट को मिल रहा है लू लग जाने के कारण, तो आप ग्लोनाइन 30 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बीडी में सुबह शाम दे सकते हैं जब तक पेशेंट के सिम्टम्स में आराम ना आ जाए. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर पेशेंट को लू लग जाने के बाद उसका सिम्टम कुछ इस तरह का कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डल फील कर रहा है, ड्राउजी यानी कि नींद आ रहा है और शरीर में कुछ ताकत ही नहीं बची, डल डिजीनेस और ड्राउजीनेस है, ये कॉमेटोस के भी कंडीशन में जा सकता है. साथ ही पेशेंट को प्यास नहीं लग रही, ठीक है, थर्सलेस है पेशेंट, आप जलसीमियम को 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बीडी फॉर 4 to 5 days. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए और उसके बाद उसको बहुत तेज़ हेडेक होने लगे, ठीक है, और उसके साथ साथ पेशेंट के कुछ सिम्टम्स इस तरीके के सोने के बाद या आराम करने के बाद उसके सिम्टम्स और ज़्यादा बेकार हो जा रहे हैं, यानी कि एग्रवेट हो जा रहे हैं, तकलीफ़ और बढ़ जा रही है, पेल फेस हो गया, यानी कि चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पीलापन दिख रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे खून की कमी हो रही है पेशेंट को, तो आप लेकेसिस उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं 30 पोटेंसी में फॉर बीडी फॉर 4 to 5 days. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी को हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक हो जाने के बाद हेडेक हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा उसको एग्रावेशन हो रहा है एक स्लाइटेस्ट मोमेंट से, यानी कि इधर से उधर वो मोमेंट से भी उसको तकलीफ बढ़ जा रही है. साथ ही पेशेंट बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का, यानी कि एक साथ बहुत सारा पानी पी जाता है, उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, तो आप ब्राइनिया 30 को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं बीडी के फॉर्म में फॉर 4 to 5 days. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी को हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होने के बाद वो क्लैप्स हो जाए, यानी कि वो चक्कर खा के नीचे गिर जाए, साथ ही उसकी पेशेंट की ये डिमांड हो कि उसके पास बैठकर कोई पंखा चले, कि ही वांट्स और नीड्स टू बी फैंड, ठीक है, साथ ही उसको कोई स्टमक कंप्लेंट्स अराइज हो रहे हो, ठीक है, नोजिया या वॉमिटिंग या डायरिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप कार्बोवेज 30 प्रेस्क्राइब कर सकते हैं बीडी के फॉर्म में फॉर 4 to 5 days. लास्टली अगर किसी को हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट का सिम्टम्स कुछ इस तरीके से, पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल है टेम्परेचर या फिर वेदर चेंज होने के बाद, ठीक है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिकली अफेक्टेड है हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक के वजह से, यानी कि हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक होने के वजह से उसकी जो परेशानियाँ हैं बहुत लंबे समय से चले आ रही हैं, उसके वजह से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटेटेड कमज़ोर फील करता है, ठीक है, तब आप नेट्रम काप 200 की पोटेंसी में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं TDS. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी को हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होने के बाद जो है आपको लग रहा है पेशेंट के फेस को देख के लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत ही रेडनेस हो रही है, आईज़ में भी रेडनेस हो रही है, पूरी स्किन ड्राई हो रही है, साथ ही थर्स्ट है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, ड्राइनेस है पेशेंट के माउथ में, तो आप बेलाडोना 30 प्रेस्क्राइब कर सकते हैं बीडी फॉर 4 to 5 days. दैट्स इट, ये सारी मेडिसिन थी जो आप एज अ प्रिकॉशनरी और एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं. सिंपली आपको अपना नेम लिखना है, उसके आगे लिखना है नीक कंसल्टेशन. आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी कंप्लेन है किसी के रिगार्डिंग, आपको कुछ पूछना है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ये कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करिए. और फॉर मोर कंटेंट सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही और कंटेंट्स को देखने के लिए. स्टे सेफ एंड हेल्दी.